सो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी मैं खा रही हूँ कैंडी, उसका भी रीज़न है गाइस। मतलब आज मूड थोड़ी सी ऑफ एंड डाउन चल रही है, ऑफ भी है डाउन भी है, आप जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। क्योंकि सुबह जो है बाहर जब मैं गई थी मार्केट में, तो उधर पे एक एजेड अंकल के साथ मेरी झगड़ा हो गई। तो जब भी किसी के साथ सुबह सुबह उठ के झगड़ा हो जाती है ना, तो पूरा दिन बेकार जाती है। और मुझे जब गुस्सा आती है ना गाइस, भयंकर वाली आती है, मतलब तब मेरा दिमाग की जगह नहीं रहती है, चाहे तो मैं पटक भी सकती हूँ, तो ऐसे वाला गुस्सा आती है। लेकिन वैसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे मतलब सिचुएशन थे ना, तो मतलब हैंडल नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए गुस्सा बहुत आ गई थी। तो इसलिए पूरा दिन जो है ऐसे ही मतलब मूड ऑफ रहेंगे, या फिर वही चीज़ मैं सोचती रहती हूँ, ऐसा ही होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करती हूँ, जब भी मेरा मूड ऑफ रहती है या फिर मतलब मूड थोड़ी सी स्विंग होती है ना, तो उस टाइम पे मैं चॉकलेट कैंडीज या फिर मेरी जो पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो जो है मेरी मूड सही हो जाती है थोड़ी। गाइज वो सब बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी मेरे लाइफ से रिलेट करते हुए, जो सारे चीज़ों को मैंने सीखी है, जो भी मेरी सिचुएशन से गुजरी, उन सारे चीज़ों से ही मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा मूड वैसे है, या फिर कह सकते हो वही पुरानी चीज़ें याद आ रही है, तो इसलिए मुझे लगा चाहे आप वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि हम सब इंसान हैं गाइस, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकते हैं, ऊपर वाला ना करे, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि बहुत तकलीफ से गुजरनी पड़े उस सिचुएशन को, लेकिन कभी भी आ सकती है। हम लोगों को किसी को भी नहीं पता किसके लाइफ में कैसी सिचुएशन आने वाली है। सो आप लोग कह सकते हो मैं थोड़ी बहुत मोटिवेट करने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। तो जब मेरे पापा जिंदा थे, ठीक है, आप लोगों को अगर पता नहीं होंगे तो मैं बताना चाहती हूँ, करीबन जनवरी 16 जान को मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। तो 2.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो पापा की तबीयत तब जो है ख़राब होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो धीरे धीरे 4 से 5 महीने के अंदर पापा जो है बिस्तर पे थे, यानी कि चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो चुके थे। जितने किस्म की ट्रीटमेंट हो सकती थी पॉसिबल, हम लोगों से जितना पॉसिबल हो पाए, पूरे फैमिली मिलके हम लोगों ने करवाई, लेकिन ऊपर वाले की यही मर्जी थी, जो होना था वो हो गई। तो अभी हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस, क्योंकि मेरी सहारा मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी की सहारा मैं हूँ, ठीक है। हालांकि हम लोगों के पूरे फैमिली हम लोगों को बहुत मेंटली फाइनेंशियली हम लोगों को बहुत सपोर्ट किए, लेकिन एक होती है ना कि अपने खुद के जो है बड़े भैया हो या फिर छोटे भैया हो, अपने फैमिली को एक जैसे रखना, मतलब फैमिली की जिम्मेदारी लेना, वो चीज़ हम लोगों में मेरे भैया नहीं है, खुद के भैया मतलब मेरे बड़े भैया या फिर कुछ, तो मुझे ही सब कुछ संभालनी पड़ी थी। पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं तब 3rd ईयर में थी, फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पे मेरी पापा की तबीयत ख़राब हो गई। जब हम लोगों को पता चले पापा की तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट्स वगैरह आए, तो हम लोगों के सर से छत हिल गई थी गाइस। हम लोग बहुत टूट चुके थे, लेकिन उस टाइम से हम लोग अभी निकल आए हैं, हम लोग अभी मेंटली स्ट्रांग हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। करीबन 2.5 साल पहले जब पापा की तबीयत ख़राब थी, बिस्तर पे थे पापा, तो मम्मी खाना बना रहे थे, ठीक है। तो अचानक से हम लोगों की गैस जो सिलेंडर होती है वो ख़त्म हो गई, तो ना मम्मी को लगानी आती है सिलेंडर वगैरह और ना ही मुझे, कुछ भी आइडिया नहीं है। पापा ही सब कुछ A to Z पापा को आते थे, मतलब हम लोगों को कोई हेडेक ही नहीं थी, ठीक है। तो इस छोटी सी चीज़ के लिए मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी, फिर पापा से पूछ रही थी पापा क्या करनी, पापा को बात करना, उठ के बैठना सब कुछ आते थे, लेकिन चल फिर नहीं पाते थे। फिर पापा ने आइडिया दी, हम लोगों को स्ट्रांग बनाए, तो सिलेंडर में अकेले से घर पे ला के सिलेंडर लगाई, फिर हम लोगों की चूल्हा जली। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है, तो इसलिए मैं बोलूँगी चाहे आप एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। इसलिए गाइस मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, चाहे आप एक गर्ल हो या फिर बॉय, हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की स्ट्रांग, जो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए वो हर एक को होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलने से नहीं होता, अरे मैं तो लड़की हूँ मुझे खाना पकाने से ही हो जाएंगे, बाहर के काम ना करने से भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं गाइस। हर एक काम को आना चाहिए, यानी कि घर का काम हो बाहर का काम हो, सब कुछ में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट ना हो लेकिन ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ऐसे थोड़ी बहुत काम आना चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं आते थे, लेकिन अभी खाना बनाना से लेके बाहर के काम से लेके लैपटॉप कंप्यूटर, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। हर एक चीज़ों में आपको स्ट्रांग होना है,
अदरवाइज सिचुएशन कभी किसी को बोल के नहीं आती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब मेरी पापा की तबीयत खराब हुई तो उस टाइम पे मैंने स्कूटी ली थी, क्योंकि बाजार जाना, घर का सब कुछ काम वगैरह के लिए मेडिसिन पापा की दूर दूर से लाना, तो उसके लिए स्कूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे स्कूटी चलाना भी नहीं आती थी, तो मैं नंगे पैर जो है मैंने ठान ली थी मुझे स्कूटी चलाना ही चलाना है। मुझे साइकिल तक भी चलाना नहीं आती थी बचपन से, लेकिन मैंने करीबन 15-20 दिनों के अंदर स्कूटी चलाना सीखी। तो बहुत हद तक इससे जो है मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो बहुत हद तक काम जो है आसान हो जाती है। आप आसानी से अगर स्ट्रांग रहेंगे तो सबका काम अगर आप खुद से बोलेंगे हाँ मैं कर सकती हूँ तो आप वो कर पाएंगे। और अगर आप लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। तो यही चीज़ कहना चाहती हूँ गाइस, आज भी मैं जो है गैस के सिलेंडर लगाऊंगी, तो इसीलिए मुझे पहले की 2.5 साल पहले की बात याद आ रही थी कि मैंने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल की थी, तो वही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पता है सबको आते होंगे लेकिन मुझे नहीं आती थी, ऐसे हो सकता है आप लोगों को भी नहीं आते, लेकिन घर का छोटे मोटे काम से लेके जो भी जिम्मेदारी है लेना सीखना चाहिए खुद को, ताकि किसी के ऊपर भरोसा ना करनी पड़े। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, गैस के सिलेंडर लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है गाइस, लेकिन ये आसान सी चीज़ अगर ज़रूरत के टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो यही बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगती है। इसलिए आज मैं वही आप लोगों को सिंपल सी चीज़ शेयर करूँगी किस तरीके से गैस के सिलेंडर लगाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पुराने गैस के सिलेंडर को पहले निकालनी पड़ती है, उसके लिए रेगुलेटर की जो मुँह है उसको नीचे की तरफ करनी पड़ती है, राइट साइड से नीचे की तरफ। उसके बाद जो रेगुलेटर की रबड़ वाली पोर्शन है गोल, उसको जो ऊपर की तरफ खींचनी पड़ती है, पुश करके ऊपर की तरफ खींचनी पड़ती है। पुश नहीं करेंगे तो वो ऊपर की तरफ ओपन नहीं होंगे, तो पुश करके खींचना है आपको। फिर जो है न्यू सिलेंडर आपको लगाना है पुराने वाली हटा के। तो ये रही न्यू सिलेंडर। तो सबसे पहले एक रैपिंग रहती है, प्लास्टिक की रैप की हुई रहती है न्यू सिलेंडर में, तो उसको सबसे पहले निकालनी पड़ती है। चाहे आप सीजर से निकालिए या फिर हाथों से, जैसे भी करके वो निकाल लीजिए सबसे पहले। उसके बाद धागे के साथ एक पिन जैसी जुड़ी हुई रहती है, वो पिन अगर आप ओपन नहीं कर पाएंगे तो गैस के सिलेंडर की जो मुंह है वो ओपन नहीं होंगे। इसके लिए जो है पिन को बाहर की तरफ खींच के ऊपर की तरफ ज़ोर से खींचनी पड़ती है। तो वो अगर अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो आपकी जो ये गैस सिलेंडर की मुँह है वो ओपन नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं फिर से जो है पहले जैसे मैं रेगुलेटर के साथ सिलेंडर को फिक्स करूँगी, वैसे ही रबड़ वाले जो मुंह है उसको ऊपर की तरफ खींच के जो है गैस के सिलेंडर के मुंह में अच्छे से फिट करके पुश करना है, ताकि अच्छे से टाइटली फिट हो जाए। तो हो गया आपके सिलेंडर लगाना। फिर जो रेगुलेटर की मुँह है उसको ऊपर की तरफ फिर से कर लीजिए, तो आपकी जो है गैस के सिलेंडर लगाना कंप्लीट हो गई। एंड इस चीज़ को जब भी करेंगे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसको साथ लेके ट्राई कीजिए फर्स्ट टाइम, तो धीरे धीरे आदत हो जाएंगे आप लोगों को भी।